हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एटी तड़का। आज हम बनाएंगे सिंधी कढ़ी। ये एक सिंधी डिश है, इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप स्टीम राइस, जीरा राइस और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बच्चों, बड़ों सभी को पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं। हमने थोड़ी सी 5-6 ग्वार ली है, उसको दो आगे पीछे से काट के दो कट में काट लिया है। ड्रम स्टिक ली है, दो हमने ड्रम स्टिक लेके इसको भी हमने छिलका उतार के काट लिया है। और भिंडी ली है हमने, भिंडी को भी आगे पीछे से काट के और स्लिट लगा दी है इस तरह, और दो भाग कर दिए। सभी सब्जियों को हमने अच्छी तरह धो लिया था। आलू को भी हमने इस तरह छील के और लंबाई में काट लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और गैस को जलाएंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे 3-4 बड़े चम्मच। हम इसमें अभी भिंडी फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ड्रम स्टिक छोड़ के सभी सब्जियां फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली भिंडी फ्राई करी। और भिंडी फ्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये चिक्कट हो जाती है उसमें डालने से। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है, फिर हम इसमें भिंडी डालेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन कलर की हमारी भिंडी फ्राई हो गई है अच्छी तरह। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, बैंगन डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, फ्लावर डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हमने जिस तेल में भिंडी फ्राई करी थी उसमें से थोड़ा तेल हमने निकाल लिया है और अब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मेथी दाना डालेंगे, बहुत थोड़ा ही डालना है मेथी दाना, नहीं तो कड़वा हो जाता है। ये देखिए मेथी दाना थोड़ा ब्राउन हो जाए। वन टीस्पून हम राई डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम जीरा डालेंगे। जीरा राई हमारा कड़क रहा है। इसी में हम 6-7 कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून भर के बेसन डालेंगे इसको भूनने के लिए। 2 इस तरह भर के बड़े चम्मच 4 हमने बेसन डाल दिया। अब बेसन को हम स्लो गैस पर एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए बहुत स्लो गैस पर हम बेसन को भूनेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन में से। ये देखिए हमारा बेसन भुन के तैयार हो गया है, बिस्किटी कलर का, गोल्डन कलर, एकदम फर्स्ट क्लास हमारे बेसन का हो गया है। ये देखिए इस तरह का बेसन भूनना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। आप मिर्ची, नमक, खटाई अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पहले 2 सब्जियां डालेंगे जो देर से गलती हैं। ये हम आलू डालेंगे सबसे पहले। और ग्वार फली डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक टिप्स है कि मैंने पानी को थोड़ा गर्म कर लिया था, बॉईल कर लिया था, नहीं क्योंकि इसमें लम्स नहीं पड़े, इसलिए 3 कप मैंने पानी को बॉईल किया हुआ है। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके पानी डालूँगी।
तीन बड़े वाले कप मैंने पानी बॉईल किया है। अब हम ये दो सब्जियों को पहले पकने देंगे, उसके बाद आगे की सब्जियां डालेंगे। ये सब्जी थोड़ी मोटी होती हैं, भिंडी को तो हमने फ्राई किया है, ड्रम स्टिक जल्दी गल जाती है, इसलिए ग्वार और आलू को हम आधा कुक कर लेंगे, उसके बाद बाकी की सब्जियां डालेंगे। ये देखिए हमारे आलू और ग्वार 80% गल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ड्रम स्टिक, ये देखिए, और अब इसी में हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी। ये हमने तीन टमाटर बॉईल करके और छिलका निकाल के पीस लिए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए टमाटर बॉईल की, तो पहले हमने टमाटर कड़ी डाली है उसके अंदर, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें तरीका बताया गया है टमाटर बॉईल करने का। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। दो छोटे चम्मच भर के हम नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, बाद में थोड़ा टेस्ट करके देख लेंगे, नमक कम ज़्यादा होए तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ड्रम स्टिक को पकने देंगे, क्योंकि हमारी ग्वार और आलू गल गए हैं 80%। अब ये गल जाएगी तो लास्ट में हम भिंडी डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। देखिए 10 मिनट के बाद हमारी सारी सब्जियां पक गई हैं। अब हम सबसे लास्ट में भिंडी डालेंगे। जो हमने फ्राई करके रखी थी, अब 3-4 मिनट कढ़ी को पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें इमली का रस डालेंगे 4 टीस्पून। आप चाहें तो खट्टा अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें खटाई के लिए कोकम भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है, भाजियाँ भी हमारी सभी गल गई हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपकी कढ़ी कैसी बनी। तो चलिए इसे अब सर्व करते हैं।